हाय बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक टू पार्ट टू ऑफ आवर एनिवर्सरी व्लॉग। अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने फिजा को गिफ्ट दिया, सरप्राइज किया था। अब हम जा रहे हैं एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हम जाके उनके फूड ट्राई करेंगे डिफरेंट, और ऑल्सो फिजा का भी पर्सपेक्टिव सुनेंगे और मेरा भी पर्सपेक्टिव फर्दर शादी पे और कैसा सारा हमारा एक्सपीरियंस रहा। इट्स अ वेरी फन व्लॉग, सो वॉच इट टिल द एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड होप यू गाइस एंजॉय। हाय बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज द नेक्स्ट डे और मी एंड फिजा are here, we are going to this restaurant जो मैंने कहा था, ये Brazilian steakhouse है, Fogo de Chao। ये है सामने, जैसे आप देख सकते हैं। Basically ऐसे restaurant में आपको एक दफा मैं पहले भी लाया था, I think जब साद अशमानी के साथ हम गए थे, वो steakhouse था जहाँ पे वो आपको पीछे पीछे से steak नहीं बंदा ला ला के दे ही जाता, bottomless steak होती है और कभी चांपे ला रहे हैं, कभी chicken ला रहे हैं, फिर उधर वो salad की dressing वाली side होती है सारी। तो मैंने कहा कि आज फिजा को मैं यहीं पे लाऊंगा, you know romantic थोड़ा सा माहौल होता है और अंदर खाना आराम से खाओ बैठ के। मैंने कहा बहुत दिनों हम निकले नहीं, स्पेशली जब से बेटा हुआ हमारा, हम तो नहीं निकले इस तरह। मीडियम रेयर स्टेक भी नहीं खा सकती थी। तुम तो नहीं खा सकती थी आज तक, तुम बेगम फाड़ के खाना कोई मसला नहीं, जितना मर्जी खाना है खाना। कौन से इतना खाने वाले लोग हैं, वैसे हम है भी नहीं, कसम से पैसे ही जाए होते हैं इधर आगे। मेरे से भी थोड़ा सा खा के बस हो जाती है, फिजा की तो पहला नवाला लेते ही बस हो जाती है, नहीं थोड़ा सा तो खा ही लेती हो। लेकिन अभी हमारे प्लान है, हम जाते हैं तो अंदर आपको सारा इंशाल्लाह दिखाते हैं कि क्या सीन है, क्या स्कोप है। आयजन को मिस कर रही हो तुम, इतना अजीब लग रहा है छोड़ के आने का, इतना अजीब लग रहा था। ऐसा लग मैं बार बार गई थी, नहीं मैं ले जाती हूँ कार सीट में, हम रख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर मामू की वाइफ नहीं मान रही ना, जो दोनों नहीं मान रहे, दोनों ही नहीं मान रहे, बहुत छोटे। और मैं गूगल कर रही हूँ, कैन वी टेक आवर 2 वीक सन टू रेस्टोरेंट, 2 वीक हुआ भी नहीं अभी, अभी हुआ भी नहीं। मैं गूगल कर रही थी, गूगल कहता नहीं मोस्टली पीडियाट्रिशियन रिकमेंड 6 वीक्स, हाँ कि बाहर ना लेके जाओ। तो बेसिकली अभी हम उसको बाहर नहीं लेके जा सकते ना, जर्म्स होते हैं, जरा सीम लग सकते हैं कोई, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होती जब तक वो 6 मंथ्स के वैसे हों। दूसरा यू नो नजर भी लगती है बंदा क्या लेके जाए बच्चे को बाहर इस तरह करके ना, तो हमने कहा छोड़ो अभी नहीं। तो हम बस यहाँ पे आए हैं, खाएंगे और फौरन भागेंगे यार, क्योंकि बच्चा जरा मिस कर रहा होता है ना पेरेंट्स को, तो खैर मोर हर देन मी, मुझे तो मुंह ही नहीं लगाता, लेकिन इसके पता भी नहीं होगा हम जा रहे हैं, गए सोया होगा अभी तो, सुला कर आए, सुला के हैं। जब फिजा को बस देखते ना, अच्छा फिजा जैसे ही पास आती है ना तो फौरन उसका मुंह खाना मांगने लग जाता है। अरे बड़ा क्यूट ही, मुझे तो अभी से याद आ रहा है, सैड हो गया, वो नहीं करता था शाहरुख खान, फेक टीयर्स फेक टीयर्स। आपका माइक कहाँ गया? ओए मेरा माइक जाके पीछे गिर गया था। खैर एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, अंदर आपको लेके चलते हैं। बड़ा अच्छा हो गया ब्राज़ीलियन स्टेक खाए हुए। लास्ट ईयर मेरी बर्थडे पे गए थे, हाँ लास्ट ईयर। हाँ आउटडोर भी बैठ सकते हैं ऐसे, नहीं नहीं गर्मी देखो तो नहीं है, पसीनों से मर जाएंगे। अभी तो हम एसी वाली गाड़ी से निकले ना, तो ऐसे लग रहा बड़ा अच्छा आउटडोर। हाँ आयजन को हम लेके आ सकते हैं यहाँ पे ना आराम से। बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि हम बैठ गए, अभी कोई आ नहीं रहा तो सामने है बफे बेसिकली, उस पर मेरी नज़र जाई जा रही है, वो जो सारा पड़ा हुआ है। तो मैं तो सोच रहा हूँ फिजा को दफा करो किसी आने का, क्या वेट करना, हम जाके सीधा अटैक करते हैं ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स रेस्टोरेंट के अंदर ना एक इशू हो गया था कि वहाँ पे ना जो माइक है ना, इसके अंदर ना मैंने बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस नहीं किया हुआ था, तो उस पर ना पीछे ज़्यादा काफ़ी आवाज़ें आ रही थी, तो हमारी आवाज़ शायद इतनी क्लियर ना हो कुछ जगहों पर, तो उसके लिए मैंने थ्रू आउट सब टाइटल्स डाल दिए हैं। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी हम सैलड बार पे आ गए हैं, तो यहाँ से कुछ हम सामान वगैरह थोड़ा उठाते हैं, देखते हैं फिजा पीछे पीछे ही है। ये देखो जैसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मशरूम्स की काफी ज्यादा किस्में हैं, सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे, सैलड्स हैं। तो मेरे एक खाने का दिल कर रहा है, मेरी याद नहीं क्या चीज़ है। इट्स कोल्ड। हाँ ये सारी सैलड बार ठंडी है, ये क्या होगा। हम क्या सब्जियाँ ले रहे हैं गोश्त की जगह पे, आगे आ जाओ आगे जरा। बेसिकली यहाँ पे ऑल यू कैन ईट मीट है ना, जो जितना मर्जी खाओ। नहीं यार चिकन तो वहीं से खाएंगे जो लाएंगे वो। ये बेसिकली होता है मोज़रेला चीज ओवर टोमेटो, ग्रीक सैलड लूंगा मैं थोड़ी सी। मैश पोटेटोज भी ला के दिए हैं और बनाना भी फ्राई करके ला के दिए, बड़ा फ्राई करके बनाना खाने की क्या जरूरत है। दिस इज लाइक टेस्ट, आप चेंज कर सकते हो। ओह फॉर टेस्ट चेंजिंग, ओके ओके। पेन डू मी कम यू चिकन, यस प्लीज थैंक यू। अब सीन ये जो चीज़ है ना ये वाली, इसको हमने ग्रीन कर दिया, तो अब ये आके दे ही जाएंगे, दे ही जाएंगे, तो हमें फिर जल्दी जल्दी स्पीड में खाना होता है। चिकन सैलड बहुत मज़े की, बहुत मज़े की चिकन सैलड है, इट्स लाइक 8 out of 10। ये एग प्लांट खा के देखते हैं, जिसमें मेरा बहुत देर से दिल आ रहा है। हाय एग प्लांट तो बहुत गंदा है, जीरो, बहुत ज़्यादा नमक है। इट्स कोल्ड एनीवेज। भाई एग प्लांट में नमक बहुत है भाई, ये छोड़ो साइड वाले को, मेन चीज़ पे आते हैं, ये चिकन है। ये चिकन का पीस देखो कितना ग्लेज हो रहा है, जूसी जूसी मीट चेक करो। Very good, right?
मैंने आपको कहा था ना बम्बार्ड कर देता है चीज़ों से, आपको समझ नहीं आती। चिकन 8.5 वेरी गुड। आई वांट टू ट्राई द लैम, द लैम की बॉडी। गार्लिक स्टेक, यस प्लीज। थैंक यू। बिल लैम तो बहुत ही मजे का लैम, 9 out of 10। चीज विद हनी, राइट? आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। वर्क 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 वर्क। 9.2 गार्लिक स्टेक। इन्होंने से बोला नहीं जा रहा, इतना मज़े का स्वाद है। चाय कुछ गर्म गर्म ऊपर से आ रहे हैं। गर्म गर्म फिजा गार्लिक स्टेक इज लाइक 9.8। मैं फिजा से पूछता हूँ तुम्हारा मैरिज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैरिज यूजुअली में तो यूज टू ही नहीं हुई मैम एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ कहने में, बट अच्छा होता है। आपको ना हर वक्त टेंशन लगी रहती है कि दूसरा बंदा कहाँ है, क्या कर रहा है, कब आएगा, वेट करते हैं एक दूसरे का, साथ बैठ के आपने खाना खाना है, जिम भी आप जाते हो मैं वेट कर रही होती हूँ कब आएगा कब आएगा। मैंने कहीं अकेले गलती तो दूसरे शहर भी जाना होता ना, इससे नहीं बर्दाश्त होता। हम किसी दावत में भी जा रहे होते, मैं देख रही थी मूसा की पसंद का कुछ है या नहीं खाने के लिए, एक दूसरे का ख्याल आना बोल जाता ना कि आप टेंशन लेना शुरू कर सकते हो। और ये सिंगल लाइफ बेटर और मैरिड लाइफ? ऑब्वियसली मैरिड। नहीं सोचो, मैं नहीं हूँ यहाँ पे, नहीं आई जाके पूछूंगा बस। नहीं बहुत अच्छी मैरिड लाइफ, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, इट्स नॉट लाइक हर वक्त कि आप खुश रहते हो, हर वक्त लवी डवी रहते हो। वो फॉल्स फैलेसी है जो लोग फीड करते हैं, वो कहते हैं आप हर वक्त खुश रहोगे लवी डवी रहोगे, यही आइडिया है मैरिज का, ये है ही नहीं होता। बल्कि उन लवी डवी मोमेंट्स का मजा भी नहीं आता अगर आप कॉन्स्टेंट उस चीज़ पे रखो। अब अगर हमारी कभी लड़ाई होती है उसके बाद प्यार ज्यादा हो जाता है अगले दिन, उसका भी एक अपना मजा होता है, कहते हैं कितने स्टूपिड हमने हरकत की क्यों, एक दूसरे को देख के खुद ही हंसी आ जाती है। अगर मैं वीडियो स्पॉन्सर्ड होती ना मैं इनकी थोड़ी तारीफ और करता, मैं कहता हूँ वर्थ इट था साल बाद आना यहाँ पे, एनिवर्सरी डिनर हैज नेवर बीन बेटर। हम लोग की पहले कौन सी एनिवर्सरी हो चुकी है जो नेवर बीन बेटर? हाँ बात तो सही कह रही है। मेरा पहले शुरू में मैं बता रही थी एक्सपीरियंस इज लाइक आपको बहुत टाइम लगता है एक दूसरे को यूज टू होने में, शादी से पहले आप मिलते हो सारा कुछ होता है, बट यू आर नॉट लिविंग विद देम तो आपको नहीं आइडिया होता कि कैसे होता है सब कुछ, फिर एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, फिर एक वो अच्छी मैरिड लाइफ। फिर वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं लगता, नहीं लगता हाँ, वो एक प्यारी चीज बन जाती है, यू नो, है एक दूसरे की आदत बहुत ज्यादा पड़ जाती है। अब मैं दिल नहीं करता इसको कहीं पे अकेले छोड़ने का। बॉयज एंड गर्ल्स सीन, हम अंदर से खाना खा के फारिग हुए थे, बहुत ही मजा आया था खाना खाने के। फोगो डी चाओ अर्विंग के अंदर है, गर्मा गर्म मजे का खाना। बस व्लॉग को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और फिजा तुम एंडोर्स करोगी कि बंदे को शादी कर लेनी चाहिए? टाइम से कर लेनी चाहिए, आप साथ एंजॉय करते हो लाइफ, लेकिन ऐसे वैसे से या देख के? ऑब्वियसली देख के, अगर यहाँ कोई और किसी और से शादी करती ये मजे थोड़ी होते। सही बात है, फिर वो पाकिस्तानी ड्रामा वाला सीन और होता, आई जस्ट वांट टू गो होम डैड, नहीं सॉरी वो तो रॉन्ग ड्रामा, मैं तुम्हें तलाक दे दूं, तौबा। वो कौन सा ड्रामा तुम कल में देखी थी? मन जोगी। जो मन जोगी, पता नहीं क्या ये शौक होते हैं लोग पाकिस्तानी ड्रामा तो समझ नहीं, यही सुनता रहता हूँ मैं तलाक और ये वाले। कभी प्यार वाला कपल देखा है किसी ड्रामे में पाकिस्तान? बहुत गलत पोर्ट्रे किया होता पाकिस्तान ड्रामा। ऐसे भी नहीं होता भाई, क्या सब में लड़ाई ही मच रही होती है, वो तो खानदान वाले ही होते हैं ऐसे, वो तो सबके घर में ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कपलों के अंदर ये लड़ाइयां ही चल रही हो सारा टाइम, यू नो, अच्छे भी होते हैं। हर वक्त रोमांस चल रहा है, असल में मसाला नहीं है ना, ड्रामा नहीं है। अब तुम देखो तुम और मैं हो रहे हैं ना लवी डबी, तो उसमें कोई वो मिर्च मसाला नहीं है ना, तुम और मैं एक दूसरे के बाल पकड़ रहे हो तो वो सारे देखेंगे, मैं भी देखूंगा। बॉयज एंड गर्ल्स ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आए। इंशाल्लाह मैं रेगुलर हो रहा हूँ जितना हो सकता है, और वापस आ रहा हूँ गेम के अंदर, थोड़ी ब्रेक हो गई थी अब आपको पता चल गया क्यों, बट एनीवेज वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।